हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूरो कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ प्रथम ने पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं गेमर फीड के बारे में। अब आप लोगों को भाई ऑलरेडी पता होगा कि गेमर फीड अभी के टाइम पे अपने भाई दोनों ही चैनल्स के ऊपर में, लाइक अंशुबिश वाले चैनल पे एंड नॉट गेमर फीड वाले चैनल के ऊपर में, भाई दोनों ही चैनल पे कार फॉर सेल की वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। एंड उनके जो कार फॉर सेल की वीडियोस है वो अभी के टाइम पे भाई काफी खतरनाक लेवल पे परफॉर्म भी कर रही है। बट यार अभी के टाइम पे जो उनका कार फॉर सेल का पूरा वर्ल्ड है जो कि यार वो खेल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब वो प्रॉब्लम है क्या, तो इसी को वो शेयर करते हैं अपने रीसेंट वाली वीडियो में। वो क्या कुछ कहते हैं भाई देखिए आप लोग। गाइस हो चुकी है गुड मॉर्निंग एंड लिटरली ब्रो गेम 10 FPS दे रहा है मेरे को। मैंने भाई बचपन में जिसमें मैंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया था ना, ट्यूशन पढ़ा के भाई बच्चों को, जब मैंने अपना पहला वो कितने का 4,500 का सेकंड हैंड कंप्यूटर बनाया था ना, By God, उसमें भी गेम अच्छे चलते थे जैसा ये गेम कर दे रहा है यार। 10 FPS लिटरली जस्ट बिकॉज हम लोगों ने इस गेम की जितनी भी कार्स हो सकती थी वो सारी की सारी हम लोगों ने परचेज करके लग दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और लिटरली अनप्लेएबल है यार, तुम देखो तो सही, इतना ज्यादा अटक रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को। तो हमें अपने कलेक्शन को पूरा का पूरा बेचना पड़ेगा। अब कैसे बेचूंगा मुझे नहीं पता। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बात कर लेते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो फाइनली भाई टेक्नो गेमर्स का न्यू सॉन्ग लाइफ उनके चैनल पर मैं ऑलरेडी आ चुका है। एंड सबसे पहले तो यार आप लोग मेरे को ये बताओ कमेंट्स में कि आप लोग को टेक्नो गेमर्स का न्यू सॉन्ग कैसा लगा। अब इसके बाद में यार देख लेते हैं कि यूट्यूबर्स का क्या कुछ रिएक्शन था टेक्नो गेमर्स के यार न्यू सॉन्ग के ऊपर। सबसे पहले गेमर फीट ने यार टेक्नो गेमर्स के उसी सॉन्ग को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी। एंड वो कहते हैं बोला था ना बैंगर है। इसके बाद में यार जो टेक्नो गेमर्स ने न्यू सॉन्ग अपलोड किया है कल ही, उसके कमेंट्स में भी यार काफी सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया। सबसे पहले तो यार गेमर फीट कहते हैं करी हमसे तेजी तो फिर होगा तेरा गियर फेल। बेसिकली यार गेमर फीट ने टेक्नो गेमर्स के न्यू सॉन्ग के एक लिरिक को ही कमेंट कर दिया था। इसके बाद में टोटल गेमिंग भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। इसके बाद में प्रणव रिएक्ट करते हैं, ऑल्सो यार वो फायर वाला इमोजी देते हैं। ऑल्सो अमित पैट भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं उज्जवल मुंबई आ रहा है भाई तू। इसके बाद में मिस्टर गेमर जय भी रिएक्ट करते हैं एंड वो कहते हैं ये हुई ना बात। एमसी फ्लेम रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं डैम। ऑल्सो यार शबादी गेमर ने भी यार कमेंट किया था टेक्नो गेमर्स के न्यू सॉन्ग पे, वो कहते हैं फायर ब्रो। स्मार्टीफाई भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं क्रेजी ब्रो। अब आप लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है यार टेक्नो गेमर्स के न्यू सॉन्ग के ऊपर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एट द लास्ट यार रचित्रु भी रिएक्ट करते हैं टेक्नो गेमर्स के न्यू सॉन्ग पे। जब कल यार वो अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उनका क्या कुछ रिएक्शन था टेक्नो गेमर्स के न्यू सॉन्ग पर देखिए आप। डायरेक्टेड बाय गैरी, ओके ओके ओके, दैट्स व्हाट आई सेड। इस बार द म्यूजिक वीडियो इज गुड, ठीक है, नो डाउट द म्यूजिक वीडियो इज गुड। जो चीज मेरे को लास्ट में था म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छा है। आवाज इसमें टेक्नो का टेक्नो जैसा, उज्जवल का आवाज लाइक उज्जवल जैसा नहीं आ रहा था, लाइक थोड़ा सा यू नो ऑटो ट्यून एंड दैट, बट द वे उज्जवल ने गाना गाया है इट शोज लाइक वो वाइब दिख रहा है। यू नो जब तुम दिखाना चाहते हो ना अपना कैरेक्टर को ना कि यो लुक एट मी आई केम फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ आई एम हियर लाइक दिस चीज ना कि यो आई एम लाइक ऐसा होता ना कि लाइक कि मैं हूँ लाइक वो वाला चीज होता है ना, तो काफी अच्छा दिखाया है, आई लाइक इट। ठीक है, पुराने वाले सॉन्ग से बेटर है, हाँ पुराने वाले सॉन्ग से बेटर है, ये तो मैं स्ट्रेट अप बोलूंगा। ठीक है ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बात कर लेते हैं अमित पैट के बारे में। अब भाई आप लोगों को पता ही होगा कि अमित पैट की यार अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यू वीडियो आई थी एसीपी प्रद्युम्न के साथ में। अब भाई वो वीडियो खतरनाक लेवल पे चली थी, उन पे बहुत ज्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स आया था। बट भाई अमित पैट ने उसी वीडियो के रिलेटेड एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से फैक्ट को शेयर किया। उन्होंने यार कल ही अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जिसके कैप्शन में वो लिखते हैं आई स्वेयर 3 years बैक आई इमेजिन दिस एंटायर वीडियो वन इवनिंग एंड जस्ट थॉट इफ दिस वॉज एवर पॉसिबल Can't believe it happened. Thank you, Shivaji Sadam sir. You are awesome. Basically, यार मिथपैट का ये कहना था कि ये जो उन्होंने यार वीडियो बनाई है शिवाजी सतम as known as ACP के साथ में, भाई ये वीडियो उनकी यार एक तरीके से सपना था। उन्होंने यार 3 साल पहले ये सोचा था कि ये वीडियो यार मुझे बनानी है एंड उन्होंने यार इस चीज को पॉसिबल किया है। अब भाई उन्होंने ये चीज को अचीवमेंट की तरह लिया है। अब आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है यार इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं बीस्ट पशु के बारे में। तो कल यार बीस्ट पशु ने
ट्वीट किया अपने लाइव स्ट्रीमिंग के रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हुए। उन्होंने एरकलेक्ट ट्वीट किया एंड वो कहते हैं, इफ यू आर माय रेगुलर वॉचर ऑफ माय लाइव स्ट्रीम्स, टेल मी माय बैड क्वालिटीज एज अ स्ट्रीमर, गोना इंप्रूव व्हाट आई कैन। बेसिकली यार बीच पर रुक का ये कहना था कि आप लोग यार मेरी कुछ गलतियां बताओ एज अ स्ट्रीमर जो मैं करता हूं, जिसे यार मैं जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सकूं। तो आप लोग जाकर यार बता सकते हो कि बीच पर रुक की क्या कुछ गलतियां हैं जब यार वो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात करते हैं टेक्नो गेमर्स एंड एंड्रियो बी के बारे में। तो भाई क्या एंड्रियो बी ने टेक्नो गेमर्स के ऊपर एक काफी बड़ा एलिगेशन लगा दिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसी एलिगेशन को लगाया यार एंड्रियो बी ने अपने रीसेंट वाली वीडियो में। अब वो कहते क्या कुछ है भाई, देखिए आप लोग। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। देखो मैंने डिसाइड कर लिया, अभी से हर वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा यही इंट्रो होने वाला है, ओरिजिनल है यार। अबे टेक्नो गेमर कौन बोल रहा है यार, कुछ सोचा मैंने? देखो तो पता नहीं है एक्चुअली क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। जब ऐसा टेक्नो बाइक के मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर नहीं थे, तब ऐसा उन्होंने मुझे कॉल किया था एंड मेरे से पूछा था, एंड्रू भाई यार कुछ इंट्रो नहीं मिल रहा है, क्या रखूं? तब मैंने उन्हें बताया था यार ये रख लो, इंट्रो तो मेरा हुआ ना यार। एंड ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, मजाक कर रहा था। बट देखो अब मैंने उठा लिया, अब ये मेरा हो गया, ये इंट्रो करेंगे अपन भाई, कितना टाइम पास करते हो। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं हिमलैंड्स गैंग के बारे में। अब आप लोगों को भाई ऑलरेडी पता होगा कि हिमलैंड्स गैंग ने अभी कुछ ही महीने पहले यार मिलकर यार एक चैनल को बनाया था जिसका नाम था हिमलैंड्स आयरल। अब इसका यार उन्होंने फ्यूचर ये सेट किया था यार कि वो इस चैनल पे रियल लाइफ वीडियोस, रियल लाइफ चैलेंजेस वीडियोस टाइप ऑफ अपलोड करेंगे, बट यार ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने यार सिर्फ एक ही वीडियो अभी तक अपने चैनल के ऊपर में अपलोड करी हुई है। एंड जितने भी यार फैन है स्मार्टी के, चाहे एसईओ के, चाहे ड्रीम बॉय के, सारे लोग यार यही डिमांड करते हैं कि हमें हिमलैंड्स आयरल वाले चैनल पे न्यू वीडियो भाई जल्दी से जल्दी चाहिए। बट अभी तो यार कितने सारे महीने हो चुके हैं एंड हमें हिमलैंड्स आयरल वाले चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो देखने को नहीं मिल रही। तो भाई इस वीडियो को आने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, एंड ऑल्सो क्या हमें देखने को मिलेगा भी हिमलैंड्स आयरल पे न्यू वीडियो या फिर नहीं? अब इस चीज का रिप्लाई किया एसईओ टिनिप ने कल जब अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड उन्होंने यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बताया कि वो लोग यार हिमलैंड्स आयरल वाले चैनल पर न्यू वीडियो को अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कुछ कहते हैं भाई, देखिए आप लोग। आयरल वीडियो कब डालने वाले हो इमलैंड्स की, देखते हैं अभी डालेंगे दिवाली के टाइम पे भाई। सब हमारी यार दो वीडियोस ऑलरेडी रेडी थी यार आयरल की, पर जहाँ पे हम लोग वो शूट की थी उनका परमिशन का लोचा हो गया, तो वो अलाउड नहीं कर रहे हम लोग को अपलोड करना। किसी के पापा दिल्ली में इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर है क्या, हम लोगों को परमिशन दिलवा दो यार शूट करने का, क्योंकि हम लोगों का तो चूना लग गया है यार, ऑलमोस्ट 75-80,000 रुपए हमारे वेस्ट हो गए। एंड अगर हिमलैंड्स गैंग के रिलेटेड बात करें तो बात कर लेते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। तो कल यार ड्रीम बॉय ने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें यार वो दिखाते हैं कि कोई बंदा है यार जो कि स्कूल जाता है, लाइक स्कूल गोइंग किड, उसने यार अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर में भाई ड्रीम बॉय की फोटो लगा रखी है वॉलपेपर पे। अब इस चीज पे ड्रीम बॉय खुद भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं WTF स्कूल कंप्यूटर। अब ये यार कम्युनिटी पोस्ट को देखने के बाद में लोगों को ये लगने लगा यार कि ड्रीम बॉय अभी भी स्कूल जाते हैं, तो उन्होंने यार उसी पोस्ट का कमेंट को पिन किया एंड वो कहते हैं गाइज ये मेरा स्कूल नहीं है। एंड सच बता रहा हूँ यार, जिस टाइम पे मैं स्कूल जाया करता था उस टाइम पे अगर मैंने ये हरकत भाई अपने कंप्यूटर लैब में करी होती ना भाई, मेरे को कंप्यूटर लैब का टीचर बहुत मारता। आप लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ जो कि है यूट्यूबर्स की वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले ड्रीम बॉय की हिमलैंड्स की वीडियो आज की है, इसके बाद में मौसमी की वीडियो आज की है, लॉगी प्लेस की वीडियो आज की है, मैकेडॉन की वीडियो आज की है, तो सारी वीडियो को चेकआउट कर सकती हो। तो चलो यार बस अभी के लिए न्यूज थी, लाइक जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके न्यूज सबमिट करना भाई। एंड मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।